हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं ये बचे हुए कपड़े के टुकड़े से और बचे हुए लेस से मैं बहुत ही सुंदर वन जीपर पाउच बनाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा लेस है, ये दो एक डिजाइन का है और एक अलग है। और ये मेरा कपड़े का पीस है और नीचे ये यहाँ मैं शॉपिंग बैग का यूज कर रही हूँ। लाइनिंग के कपड़े की जगह पे शॉपिंग बैग मैं लगाऊंगी। इस कपड़े का मेजरमेंट है, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई है 7 इंच, थोड़ा सा ज्यादा है। सेम इसी नाप का हमको ये शॉपिंग बैग भी लेना है और ऐसे हमको दो पीस कर लेना है। ये कपड़ा भी दो पीस चाहिए और ये नीचे वाला लाइनिंग वाला कपड़ा भी दो पीस चाहिए। ऐसे देखिए, पाउच बनाने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को ऊपर रखेंगे और ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है शॉपिंग बैग, इसको हम नीचे रखेंगे और चारों साइड से सिल के इसको अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट को चारों साइड से सिल के अटैच कर लेना है। ये कपड़ा और ये जो शॉपिंग बैग था, इसको मैं अटैच कर ली हूँ दोनों पार्ट में। अब इसके बाद से हमको इस पे निशान लगाना है, तो ऊपर से हम ऐसे निशान लगाएंगे। पहले यहां से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहां भी 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को यहां हम कॉर्नर में मिला लेंगे। अब इस निशान पे कटिंग कर लेना है हमको, दोनों पार्ट में ऐसे यहां से कटिंग कर लेना है और इधर भी कटिंग कर लेना है। अब इस पे हमको एक एक सिलाई लगा लेना है कि ये फिर से अटैच हो जाए। यहां भी मैं सिलाई लगा ली हूं। अब इसके बाद से हमको नीचे यहां फिर से निशान लगाना है वेस्ट बनाने के लिए। 1 इंच पे ऐसे लगाएंगे पहले और फिर 1 इंच पे ऐसे लगा लेंगे। निशान लगा लेने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग हो गई है, इसके बाद से हम ये लेस लेंगे और लेस को हम ये जो कटिंग हुई है इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर ऐसे यहां हम अटैच कर लेंगे। एक लेस को यहां अटैच करेंगे और फिर दूसरे वाले लेस को यहां ऊपर हम अटैच करेंगे और इसको हम यहां बीच में अटैच करेंगे। ऐसे हम 3 लेस यहां अटैच कर रहे हैं।
अब हम ऊपर यहां जिप को लगाएंगे। ये मैं जिप ली हूं, इसको ऐसे उल्टे की साइड रखेंगे और यहां हम इसको अटैच कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे पलट के और एक टॉप स्टिच करेंगे। ये सिलाई वाला जो कपड़ा है इसको ऐसे अंदर के साइड करेंगे और फिर इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। अब फिर हम दूसरा पार्ट लेंगे और इसको ऊपर ऐसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगा लेने के बाद अब फिर इसको पलट के हम ऊपर से टॉप स्टिच कर लेंगे। रनर को मैं ऐसे डाल ली हूं, यहां मैं जिप भी लगा ली हूं। अब यहां एक छोटा सा लूप लगाने के लिए ये छोटा सा बचा हुआ लेस का टुकड़ा है, इसको हम पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई यहां लगा लेंगे। फिर ऐसे करके और जब हम ऐसे फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएंगे तो पहले इसको अंदर के साइड डाल लेंगे और फिर यहां से सिलाई लगा लेना है। तो एक सिलाई यहां लगाएंगे और दूसरा सिलाई यहां लगाएंगे ऐसे बराबर करके, और फिर तीसरा सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। ये दोनों कॉर्नर पे जो हम कट किए हैं इसको अभी छोड़ देना है, ये सिलाई करने के बाद ये सिलाई करेंगे। यहां तीनों साइड से मैं सिलाई लगा ली हूं। अब इसके बाद से हम यहां सिलाई लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे पहले कर लेंगे ऐसे और फिर यहां सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड का ऐसे करके और सिलाई लगा लेना है। यहां मैं दोनों कॉर्नर पे भी सिलाई लगा ली हूं। अब हम जिप को खोलेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। यहां मैं सीधा कर ली हूं, ये देखिए पाउच रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।